हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम द ट्रिब्यून के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। दो काफ़ी मुख्य आर्टिकल इसमें आए हैं, काफ़ी कुछ आपको इनमें से जानने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। थाली इकोनॉमिक्स गेट्स इट रॉन्ग। थाली इकोनॉमिक्स के टर्म आपने इकोनॉमिक सर्वे के एसोसिएशन में देखा होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आया है उसमें एक चैप्टर है थाली इकोनॉमिक्स पे। थाली इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, बल्कि इस चैप्टर में बताया गया है कि एक थाली की क्या कीमत है, देश भर में एक थाली मतलब सबसे सस्ती कहाँ मिलती है। और जहाँ तक मुझे याद है शायद केरला में बताया गया था सबसे सस्ती मिलती है, लेकिन एक बार आप क्रॉस कन्फर्म कर लेना। तो थाली इकोनॉमिक्स पर ओपिनियन ये है कि इकोनॉमिक सर्वे पर बताया गया कि 27 पेज का ये चैप्टर था कि किस तरीके से थाली इतनी सस्ती है देश में। आज देश में कोई जो खाना खाने की जो कॉस्ट लगती है एक प्लेट की, वो बहुत सस्ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद की तारीफ़ करती नज़र आई कि हमने किस तरीके से पॉलिसीज़ में पॉलिसीज़ लाते गए, रिफॉर्म्स लाते गए, इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और आज आपके सामने जो आपका खाना है वो सस्ता है। राइटर कह रहे हैं कि ये जो खाना सस्ता हमको मिल रहा है, इसकी सारी कॉस्ट, इसका सारा बर्डन हमारे किसान भुगत रहे हैं। क्योंकि आज एक कॉमन पर्सन सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ आप कमाते किस लिए हो? एक प्लेट ऑफ फूड खाने के लिए, रोटी के लिए? तो थाली इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन भी यही था, थाली इकोनॉमिक्स के चैप्टर का। और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फूड इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा, आपके बजट में रखा। लेकिन ये चीज़ जो क्लेवरली छुपाई गई है कि जो लाखों फार्मर्स हैं वो इस सस्ते खाने की वजह से गरीब रह जाते हैं और कमाई उनको नहीं हो पाती। 2016 में इकोनॉमिक सर्वे ने फार्मर्स की कंडीशन पे बात कही थी, जिसमें कहा था कि 17 स्टेट्स में आप चौंक जाएंगे सुन के कि फार्म इनकम साल भर की 20,000 जा रहा है। मतलब एक किसान महीने के 1700 या 1700 से कम कमाता है। बताओ, एक किसान, अब किसान में फैमिली भी होगी उसकी, मैं कहता हूँ एक फैमिली की 17,000 महीने की इनकम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसान किस बर्डन में रह रहा होगा और क्यों सुसाइड कर लेता है, क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वजह से। 1700 एक गाय को पालने के लिए भी काफ़ी नहीं है, तो चार इंसान को, तो चार इंसानों वाली फैमिली की तो बात ही अलग है। सच अगर आप देखें, सच देखना चाहें, तो सस्ते फूड की यही एक हिडन कॉस्ट है कि कंज्यूमर्स तो खुश नज़र आ रहे हैं लेकिन सारा बर्डन हमारे किसानों पे पास कर दिया जाता है। सत्य तो यह है कि एक गवर्नमेंट नहीं है जो सब्सिडी दे रही है, बल्कि जो किसान है वो सब्सिडी दे रहा है हमको। हम खुश हैं, सस्ता खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि उस किसान की ज़िंदगी पे हम हाथ रख के उसके बर्डन पे, उसको बर्डन दे के हम ये सस्ता खाना खा पा रहे हैं। जो चीपर फूड, जो थाली इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पर की गई है, ये थाली इकोनॉमिक पर डाटा इसमें बताया गया है, एक पैरा में किस तरीके से बताया गया है कि कितना सस्ता खाना हमको मिलता है। हालांकि अगर हम देखें ध्यान से तो सर्वे ने बोला है कि हमने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 2014-15 में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एग्रीकल्चर मार्केट की इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ी है, जिस वजह से ये सब हो पाया है। मैं कहता हूँ सरकार ने एग्रीकल्चर ई मार्केट्स भी सरकार लाई, कई सारे रिफॉर्म्स भी सरकार लाई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं फिर? अगर किसानों को इतना कुछ मिल गया तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक जो 2015 में पहले प्रोटेस्ट होते थे 687, वो बढ़ के 2015 में 2683 हो गए, और वो अगले साल 2016 में डबल हो गए ऑलमोस्ट। मैं कहता हूँ 2014 से 2016 के बीच में 7 गुना ये प्रोटेस्ट क्यों बढ़ गए? अगर प्रोटेस्ट बढ़ गए तो फिर आप कैसे तारीफ़ कर सकते हैं कि हमने ये सब किया? और कोई ऑफिशियल डाटा भी इस पर अवेलेबल नहीं है कि फार्मर के प्रोटेस्ट के नंबर कितने, और इंटेंसिटी की बात नहीं है कि फार्मर के इंटेंसिटी कितनी थी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बढ़ते ही गए। याद है ना महाराष्ट्र में पीसफुल लॉन्ग मार्च हुआ था, फार्मर्स टोमेटोज पोटेटोज सड़क पर फेंक रहे थे। हाँ, अगर सरकार कह रही है कि एग्रीकल्चर मार्केट्स ने एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, तो क्यों यहाँ पे फार्म इनकम्स लगातार गिरती जा रही है, और जो 2018 में 14 साल में सबसे कम हो गई है और माइनस में 2.65%, यानी हर साल किसान की इनकम 2.65% गिर रही है।
एक तरफ आप सोच रहे हैं कि आपकी कमाई किस तरीके से बढ़े, हम सोचते हैं कि आज इतना कमा रहे हैं कल इतना कैसे कमाएं, और इनकी इनकम गिरती जा रही है, फूड प्राइसेस इस वजह से गिर रहे हैं। हम खुश होते हैं, सरकार खुश होती है, कंज्यूमर्स खुश होते हैं, लेकिन ये सारा भुगतता कौन है? हमारे किसान भाई, उनकी भी फैमिली होती है, उनका भी हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, उनको भी ज़िंदगी चलानी होती है, और 50% हमारे फार्मर है देश में, उनकी भी वो एस्पिरेशंस होती है, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े, वो भी चाहते हैं उनके बच्चों को हेल्थ मिले, तो वो हम उनको उनकी मेहनत का जो पैसा है वो मना कर रहे हैं, और ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। फार्मर क्रॉप तो कल्टीवेट कर रहा है, साथ में वो नुकसान भी कल्टीवेट कर रहा है। थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन जो दिया गया है थाली इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक सर्वे में, न्याय अगर होता कि इकोनॉमिक क्राइसिस, एग्रीगेरियन क्राइसिस पे बात होती कि फार्मर्स की क्राइसिस किस हद तक बढ़ता जा रहा है, ताकि इससे ये तो पता चलता कि आखिर किसानों की समस्या देखी तो गई, इम्पोर्टेंस तो है। 2001 से 2016-17 तक अगर देखें तो फार्मर्स की जो प्राइसिस है, अगर वो देखें कि कितना उन्होंने नुकसान उठाया, 16 साल में 45 लाख करोड़ का लॉस इन्होंने उठाया। कंज्यूमर्स को सस्ता खाना मिला तो 25% कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिला, जबकि किसानों ने कितना लॉस उठाया, 45 लाख करोड़ 16 सालों में, मतलब हर साल 2.65 लाख करोड़ रुपीस, इतना नुकसान किसान उठा रहा है, ये इंश्योर करते हुए कि हम अर्बन कंज्यूमर्स चीपर थाली अफोर्ड कर सके। और यही एक कारण है कि आज एग्रीकल्चर इतने सीवर क्राइसिस में है, और इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, फूड प्राइसेस इतनी लो है, फार्मर्स इस तरीके से पेनालाइज हो रहे हैं कि फूड ग्रो करो, प्रोडक्शन ज़रूरी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और फूड को ग्रो करने पे फार्मर्स को मजबूर किया जा रहा है, उनकी प्राइसेस भी लो है, तो किस तरीके से ये एग्रीकेशन क्राइसिस सोल्व होएगा ये सरकार ही जाने। अभी ज़रूरत क्या है कि इनकम सपोर्ट पॉलिसीज किसी तरीके से ऐसी आए कि फार्मर्स को कंपनसेट कर सकें, और जो उनकी मेहनत का पैसा उनको हम दिला सकें, ये ज़रूरी है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। दूसरा आर्टिकल है हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का, ये मुझे काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा, क्योंकि हम अक्सर पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए आते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने क्या है, पाकिस्तान एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में चाइना नाम का एक सुपर पावर है जो हमसे कई गुना से आगे बढ़ चुका है, और उनके जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको कई सारे रिफॉर्म्स लाने पर वो मजबूर कर देती है। डिफेंस एलोकेशन की मैं बात करूँ तो बजट में पिछले साल 3,18,931 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए थे, इस साल ये 3,37,553 करोड़ है, केवल 2% का इसमें इजाफा हुआ है, और आप देखो कि इसमें रुपी की वैल्यू भी गिरी है, वेपन्स की कॉस्ट भी बढ़ी है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये बेसिकली एक रिग्रेशन है, ये जो 2% का इंक्रीज दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली में एक रिग्रेशन है, क्योंकि जितना बढ़ना चाहिए था उतना यहाँ पे बढ़ा नहीं। परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करूँ कि डिफेंस में जितना पैसा है वो जीडीपी का कितना परसेंट है, तो वो भी गिरा है। कह सकते हो आप कि इकोनॉमी की स्टेट सही नहीं है, पैसा किसके पास है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पैसा होता तो डिसइन्वेस्टमेंट का 2.1 लाख करोड़ का टारगेट क्यों रखती सरकार। बिल्कुल कह सकते हो आप कि पैसा आएगा ही नहीं, तो कितना भी यहाँ पे प्रेशर डाल दो, डिफेंस में कितना पैसा हम देते हैं भैया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी होती है, कह सकते हो आप, लेकिन आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आज इन बातों पर डिस्कशन नहीं होता, पार्लियामेंट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि MPs वगैरह तो जानते ही नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस की क्या हालत है। अभी रिपोर्ट आई थी सियाचिन में खाने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है हमारे सैनिकों के लिए, और थोड़ा सा ब्लेम डिफेंस फोर्सेस को, चीफ को भी किया जाना चाहिए, चीफ मतलब कमांड को, ऑफिसर्स हैं उनको, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट को अश्योरेंस दे देते हैं कि भैया चाहे पाकिस्तान और चाइना और लड़ने के लिए तैयार है, उड़ा देंगे एक बार में, नक्शे से मिटा देंगे, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो इससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। सरकार भी सोचती है कि भैया हमारी जो आर्मी है पूरी तरीके से पावरफुल है, सब कुछ अवेलेबल है, पैसा वैसा सब कुछ, और हम है जो है पाकिस्तान को 6 से 8 दिनों के अंदर अंदर हरा देंगे, POK भी वापस ले आएंगे। मैं कहता हूँ एक बार डेप्थ में जाके अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो इस बार जो पैसा अलोकेट हुआ उसमें आप देखोगे जो मेजर एरिया है, मैं कहता हूँ 3 लाख करोड़ 3 लाख जो अभी मैंने आपको अमाउंट बताया, उसमें केवल 1,13,000 करोड़ ही जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं, जो एयरक्राफ्ट्स, इक्विपमेंट्स, आर्मर्स के लिए हैं, बाकी सैलरी पेंशन में ही जाता है पैसा। 3 लाख करोड़ में से केवल 1,13,000 करोड़ रुपए इक्विपमेंट खरीदने के लिए हैं।
इतनी पेंशन क्यों जाती है? क्योंकि देखो आर्मी में जो हमारा जवान होता है वो जल्दी रिटायर हो जाता है, तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और हायर पेंशन देनी पड़ती है। तो हमारा जो पे और अलाउंसेज है उसमें ज़्यादा पैसा जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो रहा है। हम एक बार सिक्योरिटी सीन को अगर देखें तो हमको ये मजबूर कर देती है कि हम एक बार अपनी खुद की रिफॉर्म्स में झांक के देखें कि आखिर हमने डिफेंस में क्या किया है। मैं कहता हूँ चाइना से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने को रेडी नहीं है। कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कहता है लद्दाख हमारा है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी हमने डिक्लेयर किया था उस पर भी इसने ऑब्जेक्शन किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बार बार ब्रीचिंग करता है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इसकी इंडिया से ज़्यादा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना ने नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, अपना प्रभाव बना चुका है वो। और म्यांमार के साथ अभी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी ये बिल्ड करने की सोच रहा है, और म्यांमार को भी ज़रूरत है क्योंकि म्यांमार में अभी रोहिंग्या क्राइसिस वाला जो इल्ज़ाम इस पर लगा हुआ है और चाइना ही ऐसी कंट्री है जो उसको डिफेंड कर रही है इस चीज़ पर, तो म्यांमार भी चाइना की तरफ जाएगा, चाइना भी म्यांमार की तरफ जा ही रहा है। पाकिस्तान तो एक आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को तो प्रॉक्सी बना के यूज कर रहा है। तिब्बत में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया, म्यांमार में नेवल बेसिस बना लिए, श्रीलंका में बना लिए, बांग्लादेश में बना लिए, जिबूती में बना लिए, एडन में बना लिए, और अब ग्वादर जो कि पाकिस्तान में वहाँ पर लार्ज मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी की है। चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में भी सहयोग कर रहा है, और इकोनॉमिक और मार्केट डोमिनेंस तो ये करके ही चल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हालांकि आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस की वजह से इसकी इकोनॉमी में डेंट आ गया और ट्रेड वार की वजह से इसकी इकोनॉमी की कमर टूट गई, लेकिन अभी भी चाइना ने काफ़ी प्रोग्रेस किया साइबर वारफेयर में, वेपन टेक्नोलॉजी में, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इसने बनाया, फिफ्थ जनरेशन फाइटर इसने बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट ये गन इसने बनाया, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, और काफ़ी नए कैरियर्स, एयरक्राफ्ट, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स में काम करता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान LOC में बार बार पुश करता जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करता जा रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर को ही क्रॉस करता जा रहा है। इक्वली इट इज़ कीपिंग अलाइव दिस बॉर्डर्स थ्रू आर्टिलरी शेलिंग एंड यूज ऑफ स्मॉल आर्म्स, बीच बीच में हमला करके। अभी एक खबर आई थी दो दिन पहले कि एक सिविलियन को मार दिया इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन करके। ये सब चीज़ें भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत अगर चाहता है कि ये बॉर्डर पर शांति बने तो इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब इंडिया की सिक्योरिटी में बात करूं तो डिफेंस इक्विपमेंट का हमारा 70% हम इंपोर्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में डिफिशिएंसी है, स्क्वाड्रॉन्स नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स नहीं है, इंडियन नेवी में नेवल फ्लीट नहीं है, हमारे पास जहाज़ों की कमी है, लड़ाकू जहाज नहीं है हमारे पास इतने, और इंडियन ओशन में आज की तारीख में चाइनीज़ जो नेवी का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। हमको बहुत कंसिडरेबल तरीके से अपनी इंडियन नेवी को मजबूत करना पड़ेगा, और हमने जिस तरीके से ऑपरेशन वनीला जो मडाग सागर में किया, मदागास्कर में किया, आप देखोगे कि हम ऐसा रोल निभाने जा रहे हैं कि एज ए रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, लेकिन उसके लिए हमारे पास खुद के पास तो इक्विपमेंट और जहाज़ वगैरह होने चाहिए ना। तो आज हम बात तो कर देते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, चाइना से लड़ाई हो जाए, हम जीत जाएंगे, ये बात जो है सही नहीं लगती, ये बात फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। और आर्मी की साइज की कम है, आर्मी की साइज की मैं बात करूँ, बजट की बात करूँ, तो बात हो रही है कि इन दोनों को रिडक्शन करने की। लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं आर्मी की साइज में कटौती करो, चाइना में 30% तक आर्मी की साइज में कटौती हो गई, 30% ऑफिसर्स रिप्लेस, 30% ऑफिसर्स कट कर दिए गए और उनकी जगह मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इनमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आज लड़ाई केवल उसके दम पे नहीं दी जा सकती कि आपके पास कितने जवान हैं, कितने सैनिक हैं, बल्कि आपके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने डिफेंस सिस्टम्स हैं, कितने आपके पास स्क्वाड्रॉन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, आर्मर्स हैं, इनसे लड़ाई जीती जाती है। तो आज ये कहा जा रहा है कि आर्मी में किसी तरीके से जवान हैं उनकी संख्या कम करो, लेकिन हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और हमारे जो मेजर जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं डिफेंस सर्विसेज की, तो उनके लिए नौकरी में कटौती और बड़ी समस्या बन जाएगी। तो आर्मी में कहीं ना कहीं कटौती अभी कर नहीं सकते। बजट की मैं बात करूं तो बजट का जो कुछ हिस्सा सैलरी और पे और अलाउंसेस में जाता है उसमें हम कटौती कर सकते हैं। एक नेशन का डिफेंस बजट क्या होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है उसकी GDP पे, और GDP अगर बेस मान के चलें तो उसकी परसेंटेज अगर हम मान के चलें तो उस पर भी कई इश्यूज सामने आते हैं। कि एक तो ये कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है, पड़ोसी कैसे हैं, बॉर्डर कैसे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के पास कितना स्टॉक है, कितना वीपनरी है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें एक देश को चिंतित कर देती है। और हमारे पास तो एक नाइट फ्लाइटिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी कम है, रात में हम युद्ध नहीं लड़ सकते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, है लेकिन इसको अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है। और 3 दशकों से हमने अपनी आर्टिलरी गन्स में
अपग्रेडेशन नहीं की। बताओ 3 दशक 30 सालों से इस इन्फेंट्री में हमने अभी जो हमारी इन्फेंट्री है उसमें अभी भी स्मॉल आर्म्स हैं, ठीक है, और हमको काफ़ी ज़रूरत है अभी आप देखो तो, सूटेबल आर्म्स नहीं है हमारे पास, प्रॉपर बूट्स नहीं है हमारे पास, कब मतलब बूट्स जो स्टाफ के लिए जो बूट्स होते हैं वो भी नहीं है, एयर डिफेंस को कैपेबिलिटी काफ़ी कम है और एम्यूनिशन में काफ़ी एम्यूनिशन के रिजर्व में स्टॉक में कमी आ रही है। अब आप कह सकते हो सरकार क्या करेगी, सरकार के पास एक पैसा है, लिमिट है, सरकार ने दे दिया, डिफेंस में ज़्यादा दे देती तो एक्सपर्ट कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में नहीं दिया, पहले ही वो कह रहे हैं कि मनरेगा में पैसा नहीं दिया इतना, पीएम किसान में स्कीम में इतना पैसा नहीं दिया, तो सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, लेकिन सरकार एक जगह काम कर सकती है, कर सकती है कि डिफेंस बजट से जो सिविलियन कंपोनेंट है, जो सैलरी और पे और अलाउंसेज वाला जो पेंशन वाला जो पार्ट है उसको कम करके इक्विपमेंट ज़्यादा खरीदने में पैसा लगा सकती है, और साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे इनके लिए हथियार बनाती है उनको बेचो, उनको जो है यहाँ पे बेच देना चाहिए, और जो भी पैसा आए उनसे स्टोर्स खरीद लेने चाहिए हमको, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ये क्या करती हैं, ये जो आर्मर देती है ना अपनी आर्मी को, मिलिट्री को, ये काफ़ी बहुत ऊंचे प्राइसेस में देती है, है तो सरकार की लेकिन मोनोपोली है, तो इसको बेचो, पैसा आए उससे इक्विपमेंट खरीदो, स्टोर खरीदो। दूसरी बात, डीआरडीओ के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी परफॉर्मेंस भी अभी मजबूत नहीं है, डीआरडीओ की परफॉर्मेंस भी अभी काफ़ी सही बता रहे हैं कि ऐसे ही है, इन्वेंशन ढंग से नहीं कर पा रहा, 70% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट हम इम्पोर्ट करते हैं, तो मेक इन इंडिया को जो है डीआरडीओ पे लागू नहीं किया गया कि डीआरडीओ कोशिश करे कि हम हमारा इम्पोर्ट बंद कर दे और सारी चीज़ें देश में डेवलप करने की कोशिश करें। हालांकि अभी जो डिफेंस एक्सपो था 2020 का, उनमें जो लखनऊ में हुआ था उनमें हमने कोशिश की इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरर और आर्म्स की जो एक सुपर पावर दिखाने की, कि हमारे पास काफ़ी इन्वेंशंस हो रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, हमने करने की कोशिश की, तो ज़रूरी है। इंडिया ने और अफ्रीका के जो नेशंस हैं उन्होंने लखनऊ डिक्लेरेशन भी साइन किया, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन मैंने कहा कि एक सैलरी पे और अलाउंसेस पे कम से कम खर्चा करके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बेच के, डीआरडीओ के एस्टेब्लिशमेंट में इन्वेंशन करके, कॉस्ट हम कम करके, और सिविलियन स्टाफ को जो हम पैसा देते हैं थोड़ा सा उसको कम करके, और जो भी पैसा है उनको वीपन्स इक्विपमेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरत है, ये नीड ऑफ द आवर है, दिस इज टाइम टू अपग्रेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इज रनिंग आउट, समय बीतता जा रहा है, घड़ी जो है टिकटॉक करती जा रही है, और ज़रूरी है आज। आज पॉलिसीज जो हमारी होती है वो सप्ताह में मंथ में चेंज हो जाती है, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आने में कई साल लग जाते हैं। S-400 हमारा अभी तक नहीं आया, हमने रशिया से कितने साल, कितने महीने हो गए आप देख रहे होंगे S-400 की बात चल रही थी, क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है, सरकार के पास अभी पैसा इतना नहीं है। चाइना के पास S-400 की डिलीवरी कब तक हो चुकी, क्यों? क्योंकि चाइना के पास पैसा है, ये सबसे बड़ी कमी है। तो गाइज आई होप आप सबको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइटर अपनी बात कैसे कहना चाहते हैं। मेंस के लिए आपको काफ़ी कुछ पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियन जिसमें मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।